होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। और यार सोशल मीडिया पे ना ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। डे बाय डे जैसे ये मतलब कुछ मिनटों के बाद कुछ अपडेट्स आती है और कुछ यूमर्स होते हैं, कुछ भी मतलब यार लफड़ा फैल जाता है और पूरे पूरे सोशल मीडिया पे आग लग जाती है। अभी देखो यार बहुत सी जगहों पे एंड आप ट्विटर पे आप निकाल के देखो, सोशल मीडिया पे निकाल के देखो, एंड इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एक अपडेट चला रखी है। वो ये चला रखी है कि भाई सलार द सागा जो कि सलार पार्ट 1 आ रही है उसका केजीएफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो केजीएफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है और सलार एक अलग मूवी है, सलार का कंटेंट ही थोड़ा सा डिफरेंट है, सलार का कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं केजीएफ से। तो ये एक अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। अब यार यहाँ पर अगर इसको आप देखते हो तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ पे सलार है वो केजीएफ से कनेक्ट ना करे। उसके कुछ रीजंस बताता हूँ यार, ठीक है। मैं देखो अगर सलार का केजीएफ कनेक्शन नहीं बनता है, चलो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि अगर सलार का केजीएफ कनेक्शन बना तो उससे क्या होगा। उससे ये होगा कि देखो प्रभास एक पैन इंडिया सुपरस्टार है, ठीक है, और अगर सलार बहुत अच्छी मूवी होती है और अगर उसका कोई केजीएफ कनेक्शन निकलता है तो पब्लिक ये बोलेगी कि भाई केजीएफ कनेक्शन की वजह से सलार का इतना कलेक्शन आया है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार वहां पर प्रभास की मेहनत है या फिर प्रभास की वजह से, प्रभास का जो एक्टिंग है एक्स वाई जेड ऐसा वैसा वैसा। एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक मूवी आया था लोकेश कनगराज का विक्रम, अब उसके अंदर है ना रोलेक्स का एक कैरेक्टर है, रोलेक्स का लास्ट के 5 मिनट्स का उसका रोल है, रोलेक्स का वो कैरेक्टर पूरी की पूरी मूवी पे भारी पड़ गया था और कमल हसन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था और सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वहां पे सूर्या के बारे में बात करते, रोलेक्स के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहां पर जो इतना जबरदस्त काम किया कमल हसन ने, विजय सेतुपति ने, फहद फाजिल ने, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, सारे के सारे रोलेक्स के ऊपर बात कर रहे थे। और अगर यहां पे आप देखो सलार के अंदर मान लो 5 मिनट्स का एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कोई रॉकी का कैमियो आ जाता है या फिर कोई कनेक्शन आ जाता है, ठीक है, कोई भी लाइक का गरुड़ा एक्स वाई जेड, तो भाई पूरे के पूरा जो क्रेडिट है ना वो भाई वो केजीएफ लेके चले जाएगा और वहां पर प्रभास का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। तो यार मैं चाहता हूं सलार एक सिंगल मूवी हो क्योंकि प्रभास के करियर को बूस्ट की जरूरत है, बिकॉज एक के बाद इतनी बड़ी फ्लॉप्स हो गई है ना, तो प्रभास को एक ऐसी मूवी की जरूरत है कि यार लगे कि हाँ डीसी साहब पैन इंडिया सुपरस्टार। तो भाई मैं चाहता हूं उसका क्रेडिट किसी और को ना मिले, यार 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की पूरी के पूरे मूवी में प्रभास ने इतना जबरदस्त काम किया हो, यार लोग इतनी तारीफें कर रहे हो, सिर्फ 5 मिनट्स के एक रोल के अंदर आके पूरे के पूरा क्रेडिट कोई और लेके चले जाए तो इसमें मजा नहीं आता, ठीक है, ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है। तो अगर सलार का केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है प्रभास के फैंस के लिए, प्रभास के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और देखो दूसरी बात, और अगर कनेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली यार पूरे के पूरा जो क्रेडिट है वो प्रभास को मिलेगा। एंड दूसरी बात ये हो जाती है, देखो अगर केजीएफ कनेक्शन नहीं होता है तो यार बहुत सी चीजें लाइक सलार का एक अपना कंटेंट होगा, सलार पार्ट 2 आएगा तो सलार का पार्ट 2 के लिए एक अपना ही यार एक बस क्रिएट होगा। एंड यहां पर तो बहुत बड़ी बात है कि आप सोचो यार पहले पार्ट के लिए इतनी एक्साइटमेंट ऐसा होता नहीं है, बाहुबली पार्ट 1 के बाद दूसरे पार्ट की एक्साइटमेंट थी, केजीएफ के पार्ट 1 के बाद दूसरे पार्ट की एक्साइटमेंट है, लाइक पुष्पा आल्सो, बट यहां पर तो सिर्फ पार्ट 1 के लिए इतना बस है तो पार्ट 1 इतना कलेक्शन लेके आएगा और अगर कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो सलार द पार्ट 2 आए उसका क्या क्रेज बनेगा यार। तो यार मैं तो चाहता हूँ प्रभास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्रभास के फैंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्रभास अपने दम पे पूरे के पूरे मूवी को निकाल सकता है यार, तो वहाँ पर रॉकी के कैमियो की या फिर केजीएफ कनेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। एंड अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्यों यार किसी और को क्रेडिट देना। आप इमेजिन करो यार अगर 5 मिनट्स का कोई एक रोल अगर आप वहाँ पर रॉकी को देते हो तो यार पब्लिक देखने के लिए प्रभास को जाएगी, सॉरी यार पब्लिक हाँ डेफिनेटली देखने के लिए सलार जाएगी बट क्रेडिट रॉकी लेके चले जाएगा, तो ये नाइंसाफी हो जाती है। एनीवेज इसके बारे में क्या बोलते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, एंड अगर कनेक्शन नहीं है तो इसमें कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव हिंट से प्रभास के लिए, बिकॉज यार अच्छा डायरेक्टर है, अच्छी मूवी होगी, क्रेडिट पूरा प्रभास को मिलना चाहिए, क्यों कोई और क्यों लेके जाए। एंड वैसे भी रॉकी खुद के लिए अभी मूवी अनाउंस नहीं कर रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि कैमियो करके लोगों के अंदर, भाई देखो लोगों के अंदर ना एक चीज भर गई है कि कब हमको रॉकी देखने को मिलेगा, कब भाई एक एड भी आती है ना रॉकी की तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो भाई यहां पर यश को भी पता है कि भाई लोग मेरे को देखने के लिए तड़प रहे, तो जो तड़प है ना वो भाई सलार के अंदर रॉकी आके वो तड़प इतनी जल्दी पूरी करने वाला नहीं है, वो रॉकी मेरा घंटा भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर ये सिंगल मूवी है सलार का केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।